देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीच मैदान पर भिड़े विराट कोहली और बेन, अंपायरों ने लगाई फटकार। कांग्रेस पार्टी के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के आज होने वाले शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव और मायावती। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संजय कुमार को सुनाई उम्र कैद की सजा। मशहूर संग्रहालयों में से एक अल्बर्ट हॉल में होने जा रहा अशोक और पायलट का शपथ ग्रहण समारोह। और सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री चुने जाने पर दी ट्वीट कर बधाई, गलती से किसी और अशोक गहलोत को दे दी बधाई। भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन दोनों टीमों के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन मैदान पर शाब्दिक जंग में उलझते दिखे, जिसके बाद मैदानी अंपायर क्रिस गफानी ने दोनों खिलाड़ियों को सुबह के सत्र चेतावनी दी। भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन दोनों टीमों के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दौरान मैदान पर शाब्दिक जंग में उलझते दिखे, जिसके बाद मैदानी अंपायर क्रिस गफाने ने दोनों खिलाड़ियों को सुबह के सत्र में चेतावनी दी। जसप्रीत बुमराह के पारी के 71वें ओवर के दौरान दोनों कप्तान को एक दूसरे को कुछ कहते देखा गया। कोहली इस समय गेंदबाजी छोर के पास फील्डिंग कर रहे थे, इसके बाद अंपायर गफाने ने इसके बाद हस्तक्षेप किया। पेन ने कोहली ने कहा कि तुम वो व्यक्ति हो जो कल हार गए थे और तुम आज शांत बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो। गफाने ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बहुत हो गया। उन्होंने कहा चलो खेल खेलो, तुम लोग कप्तान हो टीम, तुम कप्तान हो। पेन ने जवाब दिया हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम कोई अपशब्द नहीं कह रहे, विराट खुद को शांत रखो। कोहली ने इसके बाद कुछ कहा जिसे माइक्रोफोन पर सुनाई नहीं जा सका। कांग्रेस पार्टी के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के 17 दिसंबर यानी आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। इससे पहले इन दोनों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी। कांग्रेस पार्टी के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के 17 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। इससे पहले इन दोनों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत दर्जनों विपक्षी नेता दिखाई देंगे। 2019 के लिए मोदी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा मजबूत करने में जुटी कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह बिल्कुल कर्नाटक की तर्ज पर आयोजित करने की योजना बनाई। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। सज्जन को आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया। निचली अदालत ने 30 अप्रैल 2013 को उन्हें बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने सज्जन के अलावा तीन अन्य दोषियों कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और कांग्रेस के पार्षद बलवान खोकर की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। बाकी दो दोषियों पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर की सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। राजस्थान में कांग्रेस ने चुनावी रण जीत लिया है और अभी से रण के योद्धाओं की ताजपोशी की तैयारी है। आज अशोक गहलोत के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का दिन है। राजस्थान में कांग्रेस ने चुनावी रण जीत लिया है और अब इस रण के योद्धाओं के ताजपोशी की तैयारी चल रही है। आज अशोक गहलोत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के लिए पद की शपथ लेने का दिन है। ये समारोह इतिहास में हुए अन्य शपथ ग्रहण समारोह से अलग होगा, क्योंकि ये प्रदेश के सबसे मशहूर संग्रहालयों में से एक अल्बर्ट हॉल में होने जा रहा है। अल्बर्ट हॉल से जुड़े दिलचस्प तथ्य और कार्यक्रम कैसे अभी तक के शपथ ग्रहण समारोह से बिल्कुल ही अलग है।
राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपनी पार्टी की विधानसभा चुनाव में जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपनी पार्टी की विधानसभा चुनाव में जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री चुने जाने पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। हालांकि इसमें एक गड़बड़ हो गई, सचिन ने किसी दूसरे अशोक गहलोत को टैग कर दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। इसी 11 दिसंबर को आए चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने राज्य की 199 सीटों में 100 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद पार्टी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री तो सचिन को उप मुख्यमंत्री चुना। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।